अपने लिए खुशफहमियां पैदा कर लेता है। जब वो ये समझता है कि मैं बड़ा कुछ हूँ, मैं बड़ी चीज़ हूँ, वो किसी भी लिहाज से हो, जब वो खुशफहमी का शिकार हो जाता है तो वो उसकी रूहानी मंजिल रुक जाती है। अगर वो यूँ कहे कि मैं एक आलिम हूँ, और जब वो इस खुशफहमी में मुबतला हो जाएगा कि मैं एक आलिम हूँ, मैं एक हाफिज़ हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक पीर हूँ, मैं एक मुबल्लिग हूँ, जब वो इन खुशफहमियों में चला जाएगा तो फिर वो मज़ीद तरक्की नहीं कर पाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं बड़ा इबादत गुज़ार हूँ, बड़ा नेक हूँ, बड़ा परहेज़गार हूँ, फलां भी नमाज नहीं पढ़ता, फलां भी मस्जिद नहीं आता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो करता ही हूँ। जब इंसान ये खुशफहमी अपने अंदर बना लेता है कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, तो फिर मज़ीद वो तरक्की नहीं कर सकता, वो मज़ीद परहेज़गारी के रास्ते पर नहीं चल पाएगा। कुछ लोग यूँ समझ लेते कि मैं बड़ा आजिज़ हूँ, मेरे अंदर आजजी ही आजजी है, इनकसारी ही इनकसारी है, लेकिन वो उस पहलू की आजजी उसके अंदर नहीं जो होनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने आप को किसी हवाले से मुतमईन किया हुआ है। तरीकत के सफ़र में, राह सुलूक में खुशफहमी और अपने आप को कुछ समझ कर बैठ जाना, इसका कोई तसव्वुर नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। तारीख के अंदर उम्मत वो लफ्ज़ भुला नहीं सकती कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ड्यूटी की, इतनी ड्यूटी फरमाई कि रब करीम ने फरमा दिया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, कि महबूब हमने आप पर कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाए। ये कुरान गवाही दे रहा है कि महबूब आप तो मुशक्क़त की हद तक मेहनत करते हैं, आप तो मुशक्क़त वाली मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाल ये है कि महबूब पाक मैदान अरफात में सहाबा से पूछते हैं, सहाबा मुझे बताओ क्या मैंने तुम तक खुदा का पैगाम पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। एक दलील कतई मौजूद है कि रब कुरान में फरमा रहा है कि महबूब हमने कुरान को इसलिए नहीं उतारा कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, मुशक्क़त की हद तक मेहनत करें, लेकिन इधर हाल ये है कि हुजूर सहाबा से पूछ रहे हैं, मुझे बताओ क्या मैंने तुम्हें पैगाम हक दिया कि नहीं दिया। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुदा का पैगाम पे हम तक पहुँचाने में कमाल कर दिया। तो जब हुजूर ने सहाबा का ये जवाब सुना तो हुजूर खुदा की तरफ मुंह करके फरमाने लगे कि या अल्लाह देख रहा तेरे बंदे क्या कह रहे। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि अल्लाह खुद अपने महबूब को फरमा रहा है कि महबूब आप बड़ी मेहनत करते हैं दीन के लिए, बड़ी मुशक्क़त करते हैं, हमने इसलिए आप पर कुरान को नाजिल नहीं किया कि आप इस कदर मुशक्क़त करें, इस कदर मेहनत करें। लेकिन हुजूर ने फिर भी ये खुशफहमी अपने दिल में नहीं रखी। हुजूर ने सहाबा से पूछा कि बताओ मैंने पैगाम हक तुम तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। हमने खुशफहमियां अपने अंदर बहुत सारी पाल ली, बहुत सारी पाली हैं खुशफहमियां अपने अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़ा खौफ खुदा रखता हूं, मेरे अंदर बड़ा खौफ खुदा है, लोगों के अंदर खौफ खुदा नहीं। क्या किसी की तकरीर सुन के दो आंसू बहा देना खौफ खुदा है? क्या रोंगटे खड़े हो जाना खौफ खुदा है? क्या आपकी तकरीर से, आपके लहजे से खौफ खुदा अच्छा लगता है? नहीं। खौफ खुदा क्या है? खौफ खुदा का मतलब है कि कभी भी हराम लुकमा आपके मुंह के करीब ना आए। खौफ खुदा का मतलब ये है कि आप डरें बारीक से बारीक गुनाह करते हुए भी। खौफ खुदा का मतलब ये है कि आपको जब गुनाह की सोच भी आए तो आप डर जाएं कि यार मेरा अल्लाह कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। खौफ़े खुदा का मतलब यह है कि आपके वजूद से रत्ती बराबर भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, अगर तकलीफ पहुंच भी जाए तो आप बेचैन रहें, आपके दिल में दर्द रहे, आप दुखी रहें। खौफ़े खुदा तो ये, खौफ़े खुदा ये नहीं है कि आप दो जुमलों से कह दें कि मुझे बड़ा खौफ़े खुदा है, मैं बड़ा डरता हूँ अल्लाह से, ये खौफ़े खुदा नहीं है। खौफ़े खुदा तो ये है कि जब आप अमल करें तो फिर उसे ज़ाया होने से बचाएं, फिर डरें कि ये मेरा अमल कहीं ज़ाया ना हो जाए। खौफ़े खुदा तो आपकी तन्हाइयों की गवाही दे,
पता चले आपकी तन्हाइयां भी गवाही दें कि ये यार ये अल्लाह से डरता है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी सीरत में लिखा जाता है कि जब आप गुसल खाने में गुसल फरमाने के लिए जाया करते थे तो आप कपड़ों समेत गुसल फरमाया करते थे। लोगों ने पूछा कि हज़रत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुसल खाने के अंदर कपड़े उतार देते हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं, आप भी उतार दिया करें, आप कपड़ों समेत गुसल क्यों फरमाते हैं? तो आपके खौफे खुदा की हद देखिए, आप फरमाते हैं जब मैं बाहर होता हूं तो मुझे रब के बंदू से हया आती है और जब मैं अंदर होता हूं तो मुझे रब से हया आती है। ये खौफे खुदा है कि आपकी तन्हाइयां भी गवाहियां दे कि यार ये डरता है अल्लाह से, इसके अंदर खौफ है। अब यकीन करें, खुशफहमियों ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये खुशफहमी पाल लेते हैं कि हमने दीन का बड़ा काम किया, हम तो अल्लाह रसूल के पैगाम को आम कर रहे हैं, हम तो बड़ी ड्यूटी देते हैं, हम बड़ा टाइम दे रहे हैं, बड़ा किरदार पेश कर रहे हैं, हमने बड़ी जल्दी ये खुशफहमी अपने दिल में पाल ली कि हम तो दीन की नौकरी कर रहे हैं। अरे लोगों, ये मुस्तफ़ा की गुलामी है। इस गुलामी के अंदर अगर हम अपनी जान निकाल कर हथेली पे रख के हुजूर की बारगाह में भी पेश करें तो इस गुलामी का हक अदा नहीं होता। यहाँ पर दो चार ड्यूटियाँ करके लोग कहते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं नात सुनता हूँ तो मदीने पहुँच जाता हूँ, मुझे हुजूर से बड़ी मोहब्बत है। अरे जिन्हें हुजूर से मोहब्बत थी उनके ख्यालात और थे, उनकी सोच और जाविये और थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके विसाल का वक़्त करीब आया तो आप अपनी बेटी से, हुजूर की जोजा मोहतरमा से, मोमनू की माँ हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुन अलैहा से पूछते कि बेटा मुझे बताओ, जब हुजूर दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाने लगे थे तो हुजूर ने कौन से कपड़े पहने हुए थे? अर्ज़ की बाबा, वही कपड़े पहने थे जो आपने पहने। फिर पूछा, बेटा मुझे बताओ कि जब हुजूर दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाने लगे तो हुजूर लेटे किस तरह हुए थे? अर्ज़ की बाबा, उसी तरह लेटे थे जिस तरह आप लेटे हैं। हज़रत अम्मा आयशा रो पड़ी। अर्ज़ करने लगी, अब्बा आप क्यों पूछ रहे हैं इस तरह? आप फरमाने लगे, ज़िंदगी हुजूर के तरीके के मुताबिक गुजारने की कोशिश की है, दिल चाहता है जब दुनिया से जाऊँ तो उसी तरह जाऊँ जो आमिना के लाल का तरीका था, मैं दुनिया से भी हुजूर के तरीके के मुताबिक जाना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि हमारे अंदर बड़ी आजजी है, बड़ी इनकसारी है। जब आप एक बंदे को भी, किसी एक बंदे को भी अपने से कम तर समझेंगे तो आपके अंदर आजजी नहीं है। आजजी तो वो है जो सबसे आखिर पे बंदे को ले जाती है, लिस्ट पे सबसे आखिर पे बंदे को रखती है। हम कहते हैं हमारे अंदर बड़ी आजजी है, लेकिन हमें स्टेटस भी चाहिए, ओहदा भी चाहिए, मनसब भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, तो ये कैसी आजजी? आजजी तो ये है कि फिर आप अपने से कमतर को भी अपने से अफजल समझें। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप अक्सर इरशाद फरमाया करते थे, आप फरमाते हैं मुझे खुदा का खौफ इतना है कि अगर सुबह कयामत रब ऐलान फरमाएगा ना कि सारी मखलूक बख्शी गई सिवाय एक बंदे के, उसके लिए दोजख का फैसला है, तो आप फरमाते हैं मुझे खुदा का डर इतना है, खौफ आता है कहीं वो उम्र ना हो, कहीं वो उम्र ना हो जिसके लिए दोजख का फैसला किया जाए। आप देखें अशरा मुबशरा सहाबी, अल्लाह के मकबूल तरीन बंदे, हुजूर के प्यारे, हुजूर के लाडले, वो भी जब आजी और इनकसारी दिखाते हैं तो अपने आप को गुनाहगारों की लिस्ट पे सबसे आखिर में ले जाते हैं। लेकिन हम खुशफहमियों में, हमने खुशफहमियाँ पाल ली, हमने कहा कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, मुझसे अच्छा कौन है, मेरे जैसे तो लोगों के ईमान को तोलते हैं तराजू लेके कि ये ईमानदार है कि नहीं है। लोग कहते हैं कि फलां बंदा मस्जिद में नहीं आता, फलां नमाज नहीं पढ़ता, फलां ये नहीं करता, फलां वो नहीं करता। यकीन करें हम इस खुशफहमी में है कि हम अपने अमाल की निस्बत दूसरों के ईमान को तोलते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो उसका कर्म है कि उसने करोड़ों में से निकाल के हमें सजदे की तौफीक बख्शी है। हमारी क्या औकात, हमारी क्या मजाल है? लेकिन हम लोगों के ईमान को तोलते हैं खुशफहमियों में रह के। लोगों ने ऐसी ऐसी खुशफहमियाँ पाल ली हैं, वो ये समझते हैं कि हम
पहले नंबर पे हैं, हम बड़े ताबेदार हैं, हम बड़े नौकर हैं अपने शेख के, हम अपने पीर की बड़ी खिदमत करते हैं, हम अपने उस्ताद की बड़ी खिदमत करते हैं। कभी आप तन्हाई में किसी अपने को उनके पास भेजें और पता करवाएं कि आप खिदमत ज़्यादा करते हैं या वो आपसे मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। किसी शख्स ने कहा था कि हमने सुना है कि आपके महबूब आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपके तो बड़े कमाल हैं, आप में बड़े कमालात पाए जाते हैं कि आपका महबूब आपसे मोहब्बत करता है। तो उसने कहा कि नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो उनका करम है कि रुख उनका इधर है। हीर हंस बोले त्योदी मेहरबानी, हीर हंस पवे त्योदी मेहरबानी, नहीं तो राजे ने तो लाड़ी लड़ाने, हीर हंस पवे त्योदी मेहरबानी, राजे ने तो लाड़ी लड़ाने। हम खुशफहमियों में चले गए, ऐसी हमने खुशफहमियाँ पाल ली जो हमारी बर्बादी का सबब बन गए। जब हमने परहेजगारी की खुशफहमी पाली तो हम परहेजगारी मजीद करने से रुक गए, जब हमने इबादत की खुशफहमी पाल ली तो हम मजीद इबादत करने से रुक गए, जब हमने ये खुशफहमी अपने दिल में पाल ली कि मैं बड़ा अजीज़ हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, तो फिर वो जो अच्छाई का मजीद रास्ता हमने तय करना था उससे हम रुक गए। तो खुशफहमियों से बाहर निकले, ये अपने आप से बिल्कुल दूर करें इस चीज़ को। आप देखें ना, कुछ लोगों के पास बड़े पैसे होते हैं और उन्हें ये खुशफहमी होती है कि हमारी बड़ी इज्जत है, कुछ लोगों के पास स्टेटस होता है, उन्हें ये होता है कि हमारी बड़ी इज्जत है, हमारा बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है, हमें बड़ा उरूज है। यकीन करें, अगर उन लोगों से कहा जाए ना कि अपनी दौलत को साइड पे करो और कहीं तन्हा अपने आप को किसी मैदान में खड़े करके अपनी कीमत लगाओ, तो फिर आपको पता चले कि आपकी हैसियत क्या है। कुछ लोगों की इज्जत उनकी कुर्सी के साथ जुड़ी होती है, कुछ लोगों के नाम के साथ उनकी कुर्सी लगी होती है, मनसब लगा होता है। जब वो मनसब हटा दिया जाए, जब वो कुर्सी हटा दी जाए, तो उनकी कोई इज्जत नहीं रहती, कोई नाम, कोई मुकाम नहीं रहता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं मगर उनकी नमाज ज़ाया हो जाती है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज को भूल बैठे हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो सजदा तो मेरे सामने करते हैं मगर लोगों को दिखाने के लिए, फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है उन लोगों के लिए। और हम ये खुशफहमी पाल लेते हैं कि हम बड़ा लंबा सजदा करते हैं, हम बड़ी इबादत करते हैं, बड़ी रियाजत करते हैं। ये गुरूर, तकब्बुर और खुशफहमी के जंगल में अपने आप को उलझा देना, जब बंदा अमल करे तो फिर डरे उसे ज़ाया होने से बचाए, और फिर डरे कि पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाजें ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन हम अपने लंबे सजदे पे बड़ा इतराते हैं, बड़ा मान करते हैं, हमने खुशफहमियाँ पाल रखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी रवायात में से एक रिवायत है कि बरोज़े कयामत अल्लाह एक शख्स को खड़ा करेगा, उस शख्स ने 500 साल जंगल में बैठ के इबादत की होगी, 500 साल जंगल में बैठ के इबादत की होगी, सुबह कयामत रब उसे खड़ा करेगा और अल्लाह उसे फरमाएगा कि जाओ मैं तुम्हें अपने फजल से जन्नत देता हूँ। वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह, मैंने 500 साल तेरी इबादत की है और जंगल में रहा हूँ, अब भी फजल के साथ? अल्लाह फरमाएगा, हाँ, मेरे कर्म से और मेरे फजल से तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब जंगल में इबादत करने का मतलब समझते हैं कि उसने दुनिया से ताल्लुक तोड़ दिया, उसने अपना घर नहीं बनाया, उसने शादी नहीं की, उसने वो दुनियादारी की नमाज नहीं पढ़ी कि दिन को दुनियादारी की और बाद में नमाज पढ़ ली, नहीं, 500 साल जंगल में लगातार इबादत की। अल्लाह उसे फरमाएगा, जाओ मैं तुम्हें अपने फजल से जन्नत देता हूं। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने 500 साल जंगल में बैठ के तेरी इबादत की है, दुनिया का कोई जायका नहीं चखा, कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई, अब भी फजल के साथ?
میرا عمل کدھر گیا؟ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا کہ چلو تمہیں تمہارے عمل سے جنت دیتے ہیں، فرشتوں ترازو لے کر آؤ اور ترازو کے ایک پلڑے پہ اس کی 500 سال کی عبادت رکھو، اور میں نے جو اسے 2 آنکھیں دی ہیں اس کے وجود پہ نعمتیں اور نعمتوں سے اسے نوازا ہے، ان 2 آنکھوں میں سے 1 آنکھ ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھو اور ان کو تولو، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں، عبادت تو دور کی بات ہے، میں نے جو اسے نعمتیں دی تھی کیا اس نے ان کا بھی حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ 2 نہیں، 2 میں سے 1 آنکھ کو ترازو پہ رکھا گیا، دوسری طرف 500 سال کی عبادت رکھی گئی، ایک طرف 500 سال کی عبادت رہ گئی اور دوسرے پلڑے پہ وہ 1 آنکھ وہ بھاری ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ تو 1 نعمت کا شکر ادا نہیں کر پایا 500 سال میں، اب اس طرح کرو کہ میرے عدل سے اسے دوزخ میں ڈال دو۔ حضور فرماتے ہیں وہ رو پڑے گا اور عرض کرے گا مولا میں تیرا عدل نہیں چاہتا، میں اپنے عمل پہ جنت نہیں چاہتا، اپنا فضل فرما اور مجھے جنت عطا فرما۔ ہم خوش فہمیوں میں چلے گئے، ہم نے تھوڑی سی عبادت کر کے تھوڑی سی تسبیح پھیر کے ہم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ میاں صاحب نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، یہ کنڈیشن ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کمن کانپتے ہیں، فرمایا تھر تھر کانپیں گے، عدل کریں تے تھر تھر کمپن کون؟ اونچیاں شانہ والے، یہ منصب بتایا کہ کوئی عام نہیں کانپے گا، اونچے منصب والے اونچی شان والے کانپیں گے، تے جے فضل کریں تے بخشے جامڑ میرے جے منہ کالے۔ ہم نے خوش فہمیوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، ہم کہتے ہیں ہم سے پڑھا لکھا کوئی نہیں، ہم علم تو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہم سے زیادہ اچھی کوئی بات ہے تو آپ ہمیں وہ بتا دیں، پھر اس طرح آپ عمل علم نہیں سیکھ سکتے۔ جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ میں طالب علم ہوں تب تک آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو پھر اسے اپنی کوتاہیاں بھی ماننی پڑیں گی، اگر وہ اپنی کوتاہیاں نہیں مانتا اور کہتا میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو پھر یہ کیسی نیکی ہے کہ آپ نیکی بھی مانتے ہیں کوتاہی نہیں مانتے اور ہدایت کا سوال کرتے ہیں، یہ کیسا انداز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص ایسا ہے جو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، لیکن میں گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہتا، میں گھر سے باہر بھی نہیں آنا چاہتا، مسجد میں بھی نہیں جانا چاہتا، مخلوق خدا کی خدمت بھی نہیں کرنا چاہتا، اپنے اندر رحم دلی بھی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن میں اللہ کا فضل چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو بہکاوے میں رکھا ہوا ہے، وہ بیوقوف شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پہلے نیکی کرتا، پھر عبادت کرتا، پھر پرہیزگاری کرتا، پھر سب کچھ اللہ کی منشا پہ چھوڑ کے حق ادا کر کے یہ کہتا کہ یا اللہ اب تیری رحمت کی امید ہے، تو چاہے تو نواز دے، تو چاہے تو فضل فرما دے۔ لیکن ہم خوش فہمیوں میں چلے گئے، خوش فہمیوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہمیں روک دیا، ہمیں منزل تک نہیں پہنچنے دیا، تھیلا ہمارے پلے نہیں اور میلا دیکھنے نکلے ہوئے، تھیلا پلے نہیں اور میلا دیکھنے نکلے ہوئے۔ حفظ کے دور میں ہمارے ایک دوست تھے تو وہ مذاق میں، آج بھی بچے مذاق میں کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں اکثر اپنے گھر والوں کو کہا کرتا ہوں کہ میری جتنی خدمت کرنی ہے کر لو، میں نے 10 بندوں کو بخشوانا ہے، 10 بندے میرے ذمے ہیں، میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں تو 10 بندوں کو میں بخشواؤں گا، میری خدمت کیا کرو، میری تابع داری کیا کرو۔ پیچھے استاد کھڑے تھے وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ ایسا نہ کر، یہ بڑا بہت بڑا دعویٰ کر دیا تو، یہ انداز ٹھیک نہیں، یہ تیرا دعویٰ ٹھیک نہیں، آپ رو پڑے اور آپ فرمانے لگے تو یہ بتا کیا تو نے قرآن کا حق ادا کیا؟ اگر صبح قیامت تجھے قرآن نے ہی روک لیا
और कुरान ने ही अल्लाह से सवाल कर दिया कि या अल्लाह इसने मेरा हक अदा नहीं किया तो क्या करेगा। पहले अपना तो ख्याल कर, पहले खुद को तो इस खुशफहमी से बाहर निकाल कि तू हक अदा कर पाया कि नहीं कर पाया। इसमें कोई शक नहीं कि निस्बत काम आएगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सहाबा की सिफारिश होगी, ताबईन शिफात करेंगे, तबा ताबईन शिफात करेंगे, हुजूर के अबाउ अजदाद शिफात करेंगे, फुकहा, उलमा, सुलहा, शहीद, हाजी, मासूम बच्चे, हाफिज, ये सब शिफात करेंगे। लेकिन अगर ये जाती तौर पर ये घमंड करे और ये मान रखे कि मैं बड़ी चीज हूं तो फिर शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हकीकतों का सफर करवाया, हकीकतों का सफर कराया। और हकीकत किस वक्त पता चलती है? जब बंदा थोड़ा पर्दा खोल कर देखता है, पर्दा खोल कर देखता है, फिर उसे समझ आती है। हकीकत पसंद बने, खुशफहमियों से बाहर निकले। जब इंसान खुशफहमी पाल लेता है, वो किसी किस्म की भी हो, वो किसी लिहाज से भी हो, तो वो इंसान की तरक्की को रोक देती है, वो इंसान को मंजिल पर पहुँचने नहीं देती। वो मजीद ना रूहानी सफ़र कर पाता है, ना तरीकत का सफ़र कर पाता है, ना अल्लाह के कुर्ब का सफ़र कर पाता है। अपने आप को खुशफहमियों से बाहर निकाले और मेहनत करें। खुदा के जो बंदे हैं ना, वो इबादत करके, मुकम्मल परहेजगारी करके, मुकम्मल तकवा इख्तियार करके ये कहते हैं कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो कोशिश करें, हकीकत पसंद बने, खुशफहमियों से बाहर निकलें। और एक और ज़रूरी ऐलान ये है कि रमज़ान की आमद आमद है, माहे बहारा आ रहा है, बड़ा बरकत वाला, बड़ा ही अजमत वाला, बड़ा ही पुरनूर महीना आ रहा है। तो कोशिश करें इस महीने को बड़े खुशु व खुदू के साथ गुजारने की अल्लाह से तौफीक मांगें, इसका अदब मांगें, इसका ख्याल रखें। और अगर आपने किसी को कोई चीज़ लेकर देनी है तो रमज़ान से पहले लेकर दें, शुरू में लेकर दे दें। अगर आपने कपड़े किसी को सदका करने हैं, किसी को राशन देना है, तो कोशिश करें पहले पहले दे दें। आपने अपनी ईद की तैयारी करनी है तो रमज़ान से पहले पहले करें, ताकि रमज़ान के अंदर आप रमज़ान की बरकतें समेटें, ना कि आप बाज़ारों में जाके अपना टाइम ज़ाया करें। आपने अपने घरों में ख़वातीन के बच्चों के कपड़े, अभी वक़्त है, आप ले सकते हैं। तो ये जो पुरनूर पुरफिज़ा का महीना आ रहा है, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि जिसने हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर ये महीना अता किया, जिसके अंदर बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, और बख्शिश ही बख्शिश है। इसकी हर रात, इसका हर लम्हा, इसका हर वक़्त ही बड़ा पुरनूर है। तो इसको बड़े अदब के साथ गुजारने की अल्लाह से तौफीक मांगें, और कोशिश करें कि आप अपने लवाजमात सारे पूरे करें। अगर आपने किसी को कपड़े देने हैं तो इतनी जल्दी तो ज़रूर दें कि वो अपने दर्जी को दे के उसे सिलाई करवा सके। वो अगर आपने किसी को राशन देना है तो आप कोशिश करें कि वो पहला रोज़ा आपके राशन से रखें, आपके राशन से खोलें। कोशिश करें, इंतज़ाम मुकम्मल करें, ताकि इस पुरकैफ महीने के लुत्फ़ को हम सब मिल के समेट सकें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फ़रमाए, नबी तो सुन्नत अल इतिका फरमा के सुन्नत अदा फरमा।